नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूँ बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा तरीन सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। अमरनाथ तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था कल पहुंचेगा कश्मीर। बालटाल अनंतनाग वेस्ट कैंप में रुकेंगे यात्री, 29 जून को बाबा बर्फानी के करेंगे दर्शन। नेपाल में बारिश से बिहार में बाढ़ का खतरा, तो वहीं यूपी उत्तराखंड समेत 21 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी। 6 राज्यों तक पहुंची नीट पेपर लीक मामले की जांच, झारखंड के एक स्कूल के प्रिंसिपल को लिया गया हिरासत में। सीबीआई ने गोधरा में दर्ज की एफआईआर। गोल्डन टेंपल में योग करने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अर्चना मकवाना को पंजाब पुलिस ने भेजा नोटिस। मकवाना ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को एफआईआर वापस लेने की दी सलाह। यूपी के 14 शहरों में हुई जोरदार बारिश, नोएडा फिल्म सिटी में भरा एक फीट पानी। वहीं बिजली गिरने से यूपी में 16 लोगों की हुई मौत, जबकि 8 लोग हुए घायल। बात करें शेयर बाजार की, तो सेंसेक्स 79,243 और निफ्टी 24,044 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद। अल्ट्राटेक सीमेंट का शेयर 5.45% तक चढ़ा। जून में 1,000 रुपए से ज्यादा गिरा सोना, 71,330 पर आया, तो ही चांदी भी 95,500 से फिसल कर 90,000 पर आ गिरी। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल ने नई दिल्ली में हरियाणा के 39 नेताओं संग 2 घंटे से ज्यादा तक मंथन किया। राहुल गांधी ने हरियाणा के नेताओं को एकजुटता के साथ विधानसभा चुनाव लड़कर सरकार बनाने की सलाह दी। वहीं इस बैठक में हरियाणा में कांग्रेस संगठन का भी मुद्दा उठाया गया। आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस के जो नेता फील्ड में एक दूसरे पर जबरदस्त तरीके से हमलावर रहते हैं, वे सभी बुधवार को नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने पूरे अनुशासन में नजर आए। इन नेताओं ने राहुल गांधी को ये संदेश देने की कोशिश की कि हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है। बताते चले कि लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण से लेकर भीतरघात और कांग्रेस का संगठन बनाने में हो रही देरी पर कुछ नेताओं ने अपनी बात राहुल गांधी के सामने रखनी चाहिए, लेकिन उन्हें या तो रोक दिया गया या फिर अनसुना कर दिया गया। ऐसे नेताओं को कहा गया कि वे मिलकर एकजुटता से चुनाव लड़े और पार्टी की बात पार्टी के प्लेटफॉर्म पर ही रखें। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में सियासी समीकरण तेजी से बदलते दिख रहे हैं। दरअसल हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने अपना इरादा साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। वहीं दुष्यंत चौटाला ने इसकी शुरुआत हरियाणा की एक राज्यसभा सीट के चुनाव से की है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में अलग राह अपनाने के बाद उन्होंने अब यह ऐलान किया है कि उनकी पार्टी इस सीट के लिए कांग्रेस को समर्थन देने को तैयार है। हालांकि दुष्यंत चौटाला ने इसके लिए कांग्रेस पार्टी के सामने एक शर्त भी रखी है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस अगर प्रदेश के किसी प्रतिनिष्ठ व्यक्ति, कॉमनवेल्थ या ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी को राज्यसभा चुनाव के लिए संयुक्त उम्मीदवार बनाए तो उनकी पार्टी समर्थन देने को तैयार है। दुष्यंत ने कहा कि आगे से अब भाजपा के साथ जाने का कोई औचित्य नहीं बनता। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ जाने से उनकी पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है। दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी नए सिरे से प्रदेश में अपना जनाधार तैयार करेगी, इसके जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें आयोजित करेगी। उन्होंने ऐलान किया कि हरियाणा के सभी 22 जिलों में उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए जल्द ही रणनीतियों पर काम करेगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की रणनीति के संबंध में बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 जून को विस्तृत प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक लेने पंचकुला पहुंचेंगे। आपको ये भी बता दें कि शाह के दौरे को लेकर बीजेपी ने तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। आगमन की तैयारियों को लेकर 21 विभाग बनाए गए हैं जो व्यवस्था का दायित्व संभालेंगे। वहीं प्रचंड गर्मी के चलते सभी पदाधिकारियों और जिले के कार्यकर्ताओं के पंचकुला आने के दौरान व्यवस्था में कोई कमी न रहने के आदेश दिए गए हैं। बताते चले कि 28 जून को प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी। इसमें प्रदेश पदाधिकारी, सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी शामिल होंगे और इस बैठक में मुख्यमंत्री, नायब सैनी और संगठन मंत्री फणीन्द्रनाथ शर्मा भी शामिल होंगे, जहाँ सीएम, नायब सैनी विस्तृत कार्यकारिणी की बैठक की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। हरियाणा मंत्रिमंडल की आज बैठक हुई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में
कर्मचारी कल्याण को दो बड़े फैसले दिए जा सकते हैं। साथ में ये भी बता दें कि हरियाणा सरकार नियमित कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 58 साल से बढ़ाकर 60 साल करने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही राज्य में स्वीकृत पदों के विस्तृत लगाए गए कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की पॉलिसी पर भी मंत्रिमंडल की बैठक में मोहर लगाई जा सकती है। आपको बता दें कि हरियाणा के कर्मचारियों की ये दो प्रमुख मांगे हैं जो लंबे समय से अधर में लटकी हुई है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा के पास जो फीडबैक पहुंचा है उसके मुताबिक सरकारी कर्मचारियों ने भाजपा उम्मीदवारों को अपेक्षित संख्या में वोट नहीं दिए। कई स्थानों से रिपोर्ट आई कि सैकड़ों कर्मचारी ऐसे थे जिन्होंने भाजपा उम्मीदवारों के विरुद्ध काम किया है। कर्मचारियों की इस नाराजगी को दूर करने और उन्हें अपने पक्ष में लामबंद करते हुए पार्टी ने उनकी दो प्रमुख मांगे मानने का मन बनाया है। इन दोनों मांगों पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में बैठक की गई है। हरियाणा के लोगों को आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिलने वाली है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि मानसून आने के बाद ही उमस से छुटकारा मिलेगा। आपको बता दें कि 28 से 2 जुलाई तक मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। साथ ही 29-30 जून को हरियाणा के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। हरियाणा में मानसून की निर्धारित तारीख 27 जून है। वहीं पिछले साल हरियाणा में मानसून का आगमन 25 जून को हुआ था। इसके साथ ही हरियाणा के उत्तरी हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। राज्य के कई जिलों में प्री मानसून की बारिश हो रही है। बताते चले कि बुधवार को भी कई जिलों में बारिश का रिकॉर्ड किया गया। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।